गाइस वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दिस इज आवर होम प्रोजेक्ट सीरीज का सेकंड वीडियो। सो गाइस पहले तो बिग थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव ऑन दिस न्यूज दैट वी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। आई एम सो सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज जो रोड है वो बहुत ही बम्पी है। सो आज हम एक बहुत बड़ा टास्क करने जा रहे हैं। आज मैं और सौरभ पूरी कोशिश करेंगे कि हम घर के लिए टाइल्स फाइनल कर लें, जो बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन है। हम इसके लिए थोड़े चक्कर ऑलरेडी मार चुके हैं बट आज हम कोशिश करने वाले हैं कि कुछ हमें मिल जाए। नाउ टाइल सिलेक्ट करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। आपको कैसी टाइल चाहिए वो आपको पिंटरेस्ट पे आइडियाज काफी सारे मिल जाते हैं, इंटरनेट भरा हुआ है आइडियाज के साथ। बट जब आप एक्चुअल में मार्केट जाते हो तो कभी कभी आपको क्या होता है, एग्जैक्ट चीज नहीं मिलती है बिकॉज ऑब्वियसली पिंटरेस्ट कहाँ कहाँ का है और हम अपनी मार्केट में है जहां पे यू नो लिमिटेड शॉप्स हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है। बट हमने काफी आइडियाज निकाले हुए हैं, पिक्चर्स खींच के रखी हुई हैं, वो जाके हम रेफरेंस के लिए दिखाएंगे और फिर हम टाइल्स को देखेंगे। टाइलिंग एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है घर के प्रोजेक्ट में, स्पेशली अगर आप पूरी टाइल्स चेंज करा रहे हो। जैसे हम घर की फ्लोर टाइल्स चेंज करा रहे हैं, बाथरूम चेंज करा रहे हैं, किचन चेंज करा रहे हैं, तो ये काफी बड़ा एक्सपेंस है। सो जस्ट मेक श्योर कि यू गेट इट राइट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता हो कि इसको कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। और टाइलिंग में ना बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ग्लॉसी टाइल्स होती हैं, मैट टाइल्स होती हैं, किचन के लिए आपको अलग टाइल्स देखनी होती हैं, बाथरूम के लिए अलग देखनी होती है ताकि आप स्किड ना कर जाओ, बच्चों के रूम के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी टाइल्स ना हो जो यू नो मतलब बहुत इजीली खराब हो जाए या डिफिकल्ट टू मैनेज होम। देन टाइल्स में साइजिंग के भी ऑप्शंस होते हैं, तो आप ऐसी टाइल नहीं लेना चाहते जिसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाए, यू नो बिकॉज आपके एरिया के अकॉर्डिंगली टाइल लगती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करी एंड द एक्सपर्ट इज सिटिंग विद मी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई आपको टाइल्स चेंज करनी है कि नहीं करनी है। अगर आपने नई सोसाइटी में फ्लैट लिया है, फ्लैट बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको टाइल चेंज कराने की जरूरत नहीं होगी। बट हमारे केस में जो सोसाइटी जिसमें हमने फ्लैट लिया है वो काफी पुरानी है, फ्लैट्स काफी पुराने हो गए हैं और अनफॉर्चुनेटली जिस जो फ्लैट हमने परचेज किया उसमें 12-13 टाइल्स ऑलरेडी टूटे हुए थे, ब्रोकन टाइल्स थे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था कि भाई पुराने टाइल्स ही हम कंटिन्यू करें, इसलिए हमने टाइल्स की जर्नी स्टार्ट करी है टाइल्स चेंज कराने के। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में यह है कि जब हमारे टाइल्स रिमूव हुए तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने देख के बोला कि भाई आपके टाइल्स जो है वो बहुत ही कम सामान लेके लगा हुआ है, मतलब अंदर सिर्फ सीमेंट तो है ही नहीं, बिल्कुल चूरा चूरा भरा हुआ था जो भी रेत वगैरह भरा होता है। तो इसलिए हमें टाइल्स के साथ साथ एक पीसीसी होती है, मतलब एक सीमेंट की लेयरिंग लगती है, वो भी करवाना पड़ेगा, विच हैज एडेड टू आर एक्सपेंस। जब हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था इंटीरियर्स का, हमने सोचा नहीं था कि हमें वो टाइल्स से नीचे वाली लेयर भी करवानी पड़ेगी। तो टाइल्स जैसे मानसी ने बोला कि वन ऑफ द मेजर एक्सपेंस है, टाइल्स और आपका वुडवर्क सबसे बड़ा एक्सपेंस है, और अगर आप टाइल्स अवॉइड कर सके किसी तरीके से तो आप डेफिनेटली अवॉइड करिए, बिकॉज इट्स अ मेजर मेजर एक्सपेंस एंड इट्स अ बिग हेडेक, क्योंकि टाइल्स सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अभी टाइल शॉप आ गया है, हम टाइल्स थोड़ा देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन। सो गाइज प्रोजेक्ट टाइल हैज बीन सुपर सक्सेसफुल, बिग थम्स अप। हमें जो भी टाइल्स चाहिए थे हमें सारे के सारे टाइल्स आज ही मिल गए, राइट? यस। आर यू हैप्पी? हाँ, सुपर सक्सेसफुल से भी ज्यादा सक्सेसफुल। हम सोच के गए थे कि बाथरूम के टाइल्स फाइनलाइज करेंगे, बट पूरे घर के कर दिए, पूरे घर के कर दिए। एंड इट टुक अस लाइक गुड 3 आवर्स। हमने अच्छे से बैठ के सारी टाइल्स को देखा, सबके बारे में समझा, सबकी मेंटेनेंस कैसे होगी, फिनिश के बारे में, साइजेस के बारे में, एवरीथिंग भी अंडरस्टूड, एंड देन मैचिंग भी करा बिकॉज हर जगह हम एक सिंगल टाइल नहीं ले रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने फाइनल कर दी। तो ट्रिक ये है कि एक ऐप है बाय द नेम ऑफ पिंटरेस्ट, जहाँ पे आप कोई भी चीज डालोगे उसके पिक्चर्स आपको मिल जाते हैं। गूगल इमेजेस हैं बट पिंटरेस्ट में और ज्यादा अच्छे इमेजेस मिलते हैं। तो वहां पे हम लोग इमेज डाल के चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि लेटेस्ट क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, बाथरूम में लोग क्या टाइलिंग कर रहे हैं, लिविंग रूम में क्या टाइलिंग चल रही है। तो वहां पे सबसे पहले हमने देख के फाइनलाइज किया कि भाई ये टाइल्स जो है हमें पसंद है, और वही चीज हम सोच के टाइल शॉप
शॉप में गए थे और जैसे जैसे हमें मैच हो रहा था कि हाँ ये टाइल समझ में आ रहा है, हम उसकी पिक्चर लेके रख रहे थे अपने रेफरेंस के लिए. बाद में हमने वो लिस्ट शॉर्ट डाउन करी, हम लोग बैठे, डिस्कस किया, कॉस्ट पता किया और धीरे 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 फाइनलाइज करते हुए चले गए. एक और चीज हमने अच्छी करी कि हम बहुत ज्यादा शॉप्स में नहीं गए, हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी शॉप ऐसी है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज के टाइल मिलते हैं और अच्छी वैरायटी है, कॉस्ट सही है, रिकमेंडेड है, तो वो सारा हमने करा. सॉरी गाइस, मैं ऐसे कर रही हूँ क्योंकि एक तो बहुत तेज भूख लग रही है, अभी कबीर के स्कूल पहुंचे हैं उसको पिक करने के लिए और इतनी अच्छी धूप है कि मतलब आंखें ना बंद हो रही हैं. तो ये भी बहुत होता है कि ये जो प्रोजेक्ट होम है ना, ये बड़ा ही स्ट्रेसफुल होता है और बहुत आपको ना थका देता है मेंटली भी और फिजिकली भी. सौरभ ने तो खैर मेरे से ज्यादा चक्कर मारे हैं मार्केट्स के, तो आई एम श्योर ही हैज मोर टू से. टाइल वाज अ बिग वरी फॉर मी क्योंकि मुझे लग रहा था कि टाइल सिलेक्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. और गाइज, ये जो पूरा प्रोजेक्ट होम है ना, इसको करने में आपस में भी काफी खिटपिट होती है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू एंड योर पार्टनर डोंट एंड अप फाइलिंग फॉर डाइवोर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज काफी ज्यादा व्यूज. सब्जेक्टिविटी है ना, कॉस्ट इज सब्जेक्टिव, लुक एंड फील इज सब्जेक्टिव, डिजाइन इज सब्जेक्टिव, तो वो कंसेंसस लाने में और आने में थोड़ा मेहनत लगता है. तो फिर क्या होता है कि ये जो मतलब आपको एक मिडिल ग्राउंड फाइनल करना है और फिर आपको करना है. सो काफी सारी कंपनीज है मार्केट में, कजारिया, सोमानी, क्या इस्पीरा, निकॉन, करारा भी है एक कंपनी. ओके, तो हमने जो टाइल्स ली है सॉरी, वो कौन सी कंपनीज की है? हमने दो कंपनी की टाइल ली है. हमने मेजर जो टाइल ली है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी की टाइल ली है इस्पीरा की, और अराउंड 20% 15-20% टाइल ली है हमने नेक्सॉन करके कंपनी है. तो नेक्सॉन जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव टाइल्स थी और जो इस्पीरा थी वो मतलब नॉर्मल जो रेट्स वगैरह होते हैं उतने ही रेट्स के थे. हाँ, तो मतलब हमने बैलेंस कर लिया थोड़ा कॉस्ट दैट वेज. अदरवाइज नेक्सॉन की टाइल्स बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स थी. मतलब नेक्सॉन की जो ग्लॉसी टाइल्स भी थी ना, उस पे जब लाइट पड़ती है तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था. रिफ्लेक्शन था बट अच्छा रिफ्लेक्शन था, मतलब हेजी नहीं था. हाँ, बाकी टाइल्स पे क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे उभर के आता है, आपको लगता है कि उभर खाबड़ है टाइल. हाँ, तो आपको लाइट जो है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं लगता, टेढ़ा मेढ़ा लगता है. बट उसी चीज के पैसे हैं तो फिर, बट हमारा एक बजट था तो द गुड थिंग इज दैट मार्केट. मैं बजट का भी बता देता हूँ, नॉर्मल आप टाइल्स जो हैं वो 60-80 रेंज में टाइल्स सारी आती हैं. कजारिया, सोमानिया इसी रेंज में होता है. उसके बाद कुछ कंपनीज हैं जो इनसे थोड़ा ज्यादा प्रीमियम होता है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप रहते हैं क्योंकि हर कंपनी की टाइल हर जगह नहीं मिलती. बट एग्जाम्पल के तौर पे इस्पीरा जो कंपनी है उनकी टाइल जो है वो 80-100 रुपीज के रेंज में रहता है और नेक्सॉन की टाइल्स ऑलमोस्ट 200 रुपीज या 250 रुपीज के रेंज में रहती है. हाँ. तो इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हमने मतलब उस हिसाब से सिलेक्ट किया कि भाई कॉस्ट और बजट जो है वो हम ज्यादा एक्सीड ना करें. मतलब ये है कि आप अपना बजट एक माइंड में लेके जाओ कि भाई इतने पर स्क्वायर फीट का मुझे चाहिए. थोड़ा ऊपर नीचे होगा ही होगा, नीचे तो मुझे नहीं लगता कभी होता है, ऊपर ही होगा. बट एटलीस्ट क्या होगा, वो आपको उसके हिसाब से फिर दिखा देंगे. अदरवाइज टाइल्स इज एंडलेस. सारे टाइल्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हैं आजकल. माय सर, टाइल्स बहुत अच्छे हमें लगे. हम अभी सोचे जा रहे हैं, पिक्चर्स देखे जा रहे हैं, हमने उन अपनी टाइल के आगे खड़े होकर पिक्चर खिंचवाए, वीडियो लिए देखने के लिए कि कैसा लग रहा है, लाइट में रख के दिखाया, बिना लाइट के रख के दिखाया, तो बड़े अलग अलग तरीके से हमने काफी ज्यादा देखा. तो और जो जगह से हमने टाइल लिया है उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ टाइल्स, विच इज इन सेक्टर 9, नोएडा. तो अगर आप भी नोएडा एनसीआर में रहते हैं, वैसे तो दिल्ली में और भी ऑप्शन है, बट अगर आप नोएडा रहते हैं, सेक्टर 9 आपको पता होगा मार्केट, होलसेल मार्केट है, काफी चीजें मिलती है वहाँ पे, स्पेशली घर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काफी सामान मिलते हैं, तो वहाँ पे वर्ल्ड ऑफ टाइल्स आप सर्च करिए, वहाँ पे जा सकते हैं. और गाइज, ये ना मतलब हमें काफी रिकमेंडेशन भी मिला था, हमने काफी पता वता भी करा था कि यहाँ पे कौन से अच्छे, बिकॉज हमारे पास ऑनेस्टली दिल्ली जाने का ना टाइम है ना बैंडविड्थ है इतना हम कर सके. छोटे बच्चों के साथ हम उतना रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं जितना हम एक्चुअल में, अगर सिर्फ हम दोनों होते तो हम तो बिल्कुल डीप करके जहां से हमें सबसे अच्छा रेट मिलता और बहुत मार्केट को स्टडी करके फिर दिल्ली कुछ तो लेते. दिल्ली डेफिनेटली जाते हैं ऑब्वियसली. और या मतलब ऐसे करा है और कलर स्कीम भी अच्छी सी रखी है. हाँ. बहुत डार्क वाले लोग, आपको पता है कि हम थोड़े से सिंपल लोग हैं तो हमारे कलर जो है बहुत ज्यादा लाउड नहीं होते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. सक्सेसफुल डे टुडे एंड हाई फाइव. बताओ मुझे थोड़ा क्या होमवर्क चल रहा है. मैथ्स की वर्कशीट चल रही है.
तो अभी बेसिकली ग्रिड है, उसमें दिया गया है कि आप 3 नंबर्स को ज्वाइन करके नंबर 10 बनाना है आपको. ओके. आप वर्टिकली कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली कर सकते हो और डायगनली कर सकते हो. 9 डिफरेंट वेज हैं. कबीर 7 वेज फाइंड कर चुका है. अब उसको 7 भी नहीं, एक्चुअली 8 कर चुका है. एक और वे उसे ढूंढना है. एक और नहीं कर पाओगे कभी? लेट्स सी.